तुमने दहलीज से निकाला, हम दिल से निकल गए। तिरुपति बालाजी के दर पर जिन भावनाओं को लेकर अपनी झोली फैलाए इंसान जाता है, आज कुछ लोगों की उन्हीं कथित भावनाओं ने भगवान को कलंकित कर दिया। आज इंसान सबसे दुखी है भावनाओं के आहत होने से, और इंसानों को इसकी आदत इस हद तक पड़ गई है कि उसके कुकर्मों से भगवान बालाजी भी नहीं बच सके। आपने पशुओं की चर्बी वाले प्रसाद का उन्हें भोग लगा दिया, भक्तों को वही प्रसाद खिलाते रहे। हजार तनाव लेकर, हजार ख्वाहिशें लेकर कोई गुनहगार भी तिरुपति बालाजी के दरवाजे पर पहुंचता है तो वे अपने भक्त का दिल से स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं कि इंसानों की तरह वे उसका स्वागत करने में भी सोचने लगे और फिर उसे अपनी दहलीज से निकाल बाहर कर दें, उसे जिसने अपने जीवन में आपके लिए कोई सीमा ही न बांध रखी। और जब ये बातें दिल से निकलती हैं तो भगवान की भी आह निकलती है। गम इस बात का नहीं कि बेआबरू होकर निकला, गुमान इस बात का है कि तेरे चौखट से निकला। घर तो आप ही का था, रिश्ते भी आपसे ही थे और बेआबरू भी आपने ही किया। पशुओं की चर्बी वाले प्रसाद चढ़ा दिए, भगवान बालाजी के साथ जो किया गया उसके बाद वो मूर्त स्वरूप भले ही आज भी विराजमान हैं, लेकिन कथित भक्तों की भावनाओं से वे कितने दूर हो गए हैं इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दो जगह इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, एक न्याय के मंदिर यानी कि अदालत में और दूसरा आस्था के मंदिर यानी ईश्वर के सामने। तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशु चर्बी वाले प्रसाद चढ़ाने का मामला कुछ ऐसा ही है। आरोपों पर विश्वास करें तो यह भगवान को उनके चौखट से बाहर करने की तरह है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, फिर चर्बी वाले प्रसाद का भोग कौन लगा रहा था। जब पाप की गठरी का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान ढो नहीं पाता तो उस दौरान उसे भगवान सबसे ज़्यादा याद आते हैं। पूरा मामला है आंध्र प्रदेश का, जहाँ तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप है। यह आरोप राज्य के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी पर लगाया है। इसे लेकर लैब रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है। उस लैब रिपोर्ट में साफ है कि किस तरह से लड्डू प्रसाद में गोमांस की चर्बी, लॉड और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया है। अब आरोप भगवान बालाजी से संबंधित है, भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो यह पूरे देश में किस तरह से एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक विवाद खड़ा करेगा, देश भर के मंदिरों में प्रसाद को लेकर किस तरह से भक्तों के जीवन में शंका घर करेगी, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सुनिए टीडीपी प्रवक्ता का पूरे मामले पर क्या कहना है। वो लड्डू में जगन मोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अडल्ट्रेटेड। वी गॉट एन रिपोर्ट दैट वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट ऑयल वाज मिक्स्ड इन दैट। इट्स वेरी बैड थिंग हैपेंड इन तिरुमला हिस्ट्री। वी आर वेरी sadly condemning the issue that Jagan Mohan Reddy government wantedly damaging the sentiment of Hindu pilgrims, especially Balaji devotees. अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए YSRCP नेता YV सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि ये दावे निराधार और झूठे हैं। उनका कहना है कि TDP इस मुद्दे को राजनीति से प्रेरित होकर उछाल रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। उन्होंने दावा किया कि तिरुमाला मंदिर के लड्डू की गुणवत्ता सर्वोत्तम है और इसमें किसी भी प्रकार के गलत या अनैतिक तत्वों का प्रयोग नहीं किया गया है। यस्टरडे आवर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैज कमेंटेड बेसलेस एलिगेशंस, शॉकिंग एलिगेशंस लाइक सेइंग दैट इन टीटीडी व्हाइल YCP इज इन गवर्नेंस दे हैव damaged the decorum and sanctity of the Tirumala Tirupati Devasthanam, and he has gone to the extent of criticizing and commenting wild
comments like, while preparing Swamwari prasadams and laddus, animal fat being used. This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. तो ये तो रही नेताओं की बातें, लेकिन भक्त पूरे मामले को लेकर काफी आहत हैं. सुनिए उनका क्या कहना है. मैं दो पहले तिरुपति को आया था, दो पहले जैसा ही टेस्ट था ना वैसा ही इस बार ही लड्डू का टेस्ट वही है. अभी जो मैं आज मॉर्निंग को चंद्रबाबू नायडू जो कि एपी के सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि वो अपना जो लड्डू बनाते हैं तिरुपति में उसमें जो ये मिक्स करते हैं चर्बी, तो ऐसा कुछ नहीं है. मेरे ख्याल से मैं बोले तो ईयरली में 5-6 बार तिरुपति को आ जाता हूँ, जो टेस्ट है वही लड्डू का टेस्ट है. तिरुमाला तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में पूरे दक्षिण भारत में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ लाखों भक्त आते हैं. यहाँ के प्रसाद में मांस या मांस उत्पादों के इस्तेमाल का आरोप राज्य में बड़ी धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या टीडीपी द्वारा लगाए गए इन आरोपों के पीछे धार्मिक ध्रुवीकरण का एंगल भी हो सकता है, क्योंकि जांच के बिना नेताओं के इस तरह से दावे पर कम से कम हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे. क्योंकि YSRCP पर आरोप लगाने का एक अन्य एंगल यह भी हो सकता है कि TDP आगामी चुनावों के मद्देनज़र इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है. नायडू पहले भी धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इस बार भी वह भगवान बालाजी के नाम से जुड़े मुद्दे पर YSRCP को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में हमेशा से ही धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को बहुत ही सधे अंदाज में उठाया है और उसका इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला है. खासकर तिरुपति जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों पर नायडू अक्सर मुखर रहे हैं. उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें मंदिर परिसर का विस्तार, भक्तों के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था और मंदिर की धार्मिक महत्ता को बढ़ावा देना भी शामिल है. साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान दिया था, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए. नायडू ने धार्मिक पर्यटन को राज्य की प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पेश किया और विभिन्न मंदिरों के विकास को अपनी उपलब्धियों में गिना भी. उनकी राजनीति में अक्सर हिंदू ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, जहां उन्होंने तिरुपति और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों को भुनाने की कोशिश की. दूसरी बात कि ये सब करते हुए उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और YSRCP सरकार पर आरोप लगाते हुए नायडू ने हमेशा दावा किया कि उनकी पार्टी ने धार्मिक स्थलों और हिंदू आस्थाओं की बेहतर सुरक्षा की है. दूसरी बात कि नायडू ने आंध्र प्रदेश के सांस्कृतिक आयोजनों, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को भी विशेष महत्व दिया. तो ये साफ है कि नायडू की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे हमेशा से अहम रहे हैं और उन्होंने इनका इस्तेमाल अपनी छवि को मजबूती देने और राज्य के लोगों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए किया है. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में घी की गुणवत्ता को लेकर आरोप तब उठे जब जुलाई 2023 में मंदिर के घी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने अपने रियायती दरों पर सप्लाई बंद कर दी. इसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 नए फर्म को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन इन कंपनियों द्वारा सप्लाई किए गए घी में मिलावट पाई गई. यह मामला तब तुल पकड़ा जब नायडू ने जाँच के आदेश दिए और गुजरात की NDDB CALF लैब में घी के सैंपल भेजे गए, जिसमें फिश ऑयल, जानवरों की चर्बी यानी लार्ड और बीफ टैलो यानी गोमांस की चर्बी शामिल थे. इसके बाद 18 सितंबर को एक और जांच रिपोर्ट सामने आई जिसमें भी यही मिलावट पाई गई. इसको लेकर 19 सितंबर को पूरे देश भर में और खासतौर पर आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बवाल मचा. जानकारी के लिए बता दूँ कि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन KMF करीब 50 साल से तिरुपति मंदिर को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में अन्य फर्मों से जगन सरकार ने घी मंगवाने का निर्णय लिया. अब नायडू सरकार ने फिर से KMF को घी सप्लाई का ठेका सौंप दिया है.
अब पूरे मामले पर ताजा अपडेट ये है कि मंदिर बोर्ड ने अब घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है और घी सप्लाई करने वाली फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मंदिर में लड्डू वितरण की नई व्यवस्था भी लागू की गई है, जिसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता की शर्त जोड़ी गई है। दूसरी बात कि आज जब पूरे देश भर में हिंदुत्व और सनातन धर्म का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, तो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी और मछली तेल की मिलावट की कथित घटना से बवाल तय है। देखा जाए तो यह न केवल धार्मिक विश्वासों का उल्लंघन है, बल्कि सनातन धर्म की शुद्धता और सात्विक परंपराओं के खिलाफ भी है। देखा जाए तो इस विवाद ने न सिर्फ तिरुपति मंदिर की पवित्रता को सवालों के घेरे मिला दिया है, बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हालांकि एक बात बड़े शंका को जन्म देती है कि जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में थे तब उन्होंने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया, जब उनको लगता है कि ये कंपनियां गलत ही सप्लाई करती थी तब इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया, जब उन्हें लगता था कि जगनमोहन रेड्डी सरकार कुछ गलत कर रही है, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, तब उन्होंने इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाया। सरकार में आते ही उन्होंने इसको मुद्दा क्यों बनाया, क्या चंद्रबाबू नायडू के लिए सरकार में आने पर ही आस्था का ये बड़ा मुद्दा बन सकता था, क्या उसमें आने पर भी उनको आस्था से खिलवाड़ दिख रहा है। ये कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर गंभीर जांच होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि भक्तों को भी न्याय मिल सके, उनके साथ आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ उसको रोका जा सके। तो आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।